है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम मैं जा रहा हूँ अपना स्कूबा डाइविंग करने के लिए। गाइस बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो देखते रहना। ये वाला वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाले गाइस, तो कुछ भी हो सकता है। पहले हम यहाँ से बोट में जाएंगे, फिर उसके बाद हम उतर स्कूबा डाइविंग वगैरह करेंगे। तो गाइस इतना मस्त मज़ा आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को तो प्लीज़, मैं प्लीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो देखने लायक भी होंगे, तो आप लोग स्किप मत कीजिए। तो गाइस मेरा फ्रेंड दोनों तो सो रहे अंदर, उन लोगों को आने का मन नहीं कर रहा। शायद कल रात को हमने बहुत डांस किया था, काफ़ी देर तक थोड़ा सा बैठा था, इसीलिए उन लोगों का नींद नहीं खुल रहा है। तो मेरा भी नहीं खुल रहा था, लेकिन 2000 हमने एडवांस दे चुका था, तो मैंने सोचा यार उसको वेस्ट करने से अच्छा मैं चला जाता हूँ। तो गाइस मैं निकल पड़ा हूँ, अभी बस का वेटिंग कर रहा था थोड़ा, तब तक के लिए बीच के बाहर आया हूँ। इधर पीछे पिकअप हो रहा है मेरा, तो निकलते बस में बैठ के, मिलते हैं गाइस उधर। कैसा कैसा आते हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, देखते हैं गाइस। तो देखते रहना, बड़ा मस्त होने वाला है वीडियो गाइस। फिर से आप लोगों को एक बार मैं थैंक यू कहना चाहता था गाइस, आप लोगों के बदौलत ये आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस कुछ लोगों का कमेंट बहुत अच्छा मिलता है, तो मज़ा आता गाइस। पहले स्टार्टिंग मैंने किया था ऐसा फ़न के लिए किया था, लेकिन अभी धीरे धीरे मज़ा आने लगा गाइस। इस चीज़ में मज़ा आता है, क्योंकि भले ही एक दो अप्रिशिएट कर रहे लेकिन करते हैं, लेकिन मज़ा आता है उस चीज़ में। थैंक यू। बाकी जितने भी अपना फैमिली मेम्बर है यूट्यूब के, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जल्दी से जल्दी हम 1000 के करेंगे, फिर हम करेंगे कुछ अलग, करेंगे ट्राई करेंगे, बिल्कुल हट के अलग करेंगे गाइस। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब दबाए, जो लोग अपना चैनल में न्यू है और जो लोग अपना पुराने वाले, लाइक शेयर कमेंट करते रहना, इसी तरह बने रहना, भाई को सपोर्ट करते रहना। थैंक्स गाइस। तो गाइस थोड़ा सा बस से उतरने के बाद हमें थोड़ा सा वॉकिंग करना पड़ता है, यहाँ से थोड़ा आगे पोर्ट है छोटा सा, वहाँ तक हमें वॉकिंग करके जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ से वॉक करके जा रहा हूँ, तो बड़ा सा गेट है, उस गेट के अंदर से जाते हैं। ये जो अपना स्कूटी भाई है हमें गाइड कर रहा है उधर तक लेके जाने का। और रास्ते में चलते चलते मैंने गाइस ये देख लिया, ये पत्थर है गाइस, देखो यहाँ का पूरा पत्थर ऐसा है, पता नहीं किस चीज़ का बना है पत्थर, ये पूरा कुछ घरे से बना हुआ है। तो गाइस अभी ये लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं बोट में बैठ चुका हूँ। तो कुछ सामान, ये सिलेंडर देख सकते हो आप, ऑक्सीजन सिलेंडर जिससे हम स्कूबा करेंगे। तो गाइस वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आप लोग मिस करोगे तो फिर आप लोग बाद में पछताओगे। तो देखते रहना गाइस, बड़ा ही मस्त अलग किस्म का वीडियो होने वाला गाइस। ये तो मज़ा आ रहा है मेरे को, तो एक्साइटमेंट भी है, प्लस मैं थोड़ा सा ठीक भी नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा कल देर रात सोया था, सुबह थोड़ा जल्दी उठा इसलिए। तो गाइस देखते रहना। नीचे जाने के लिए वेरी गुड, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपको ये साइन दिखाना है, अनकंफर्टेबल हो तो आपको ये साइन दिखाना है। ओके अगर नीचे जाने के बाद कुछ अगर डेंजर चीज रहता है, जैसे मतलब जेली फिश, कोरल स्नेक, मतलब स्टिंग रे, ऐसी कुछ अगर डेंजर चीज रहेगी नीचे, तो ड्राइवर आपको
तो गाइस यार मजा आया यार कसम से, पानी में जाके मछलियों में वो ड्राइविंग करने में बहुत मजा आया गाइस, इतना मजा आया पूछो मत। अब इधर आओ तो ये करो, थोड़ा सा कान में दर्द होता है बहुत अंदर जाओगे तो, अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है आप ऊपर आ जाना, लेकिन कम दर्द होता आप चलेगा। मेरा तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फिर भी मैं नीचे तक गया था, नीचे तो समंदर बिल्कुल के अंदर लगभग में गया था। और ये मज़ा आ गया गाइस, वीडियो तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट ही में डाल पाया। तो अभी हम आ चुके हैं बीच पे, इसके बाद हम अभी करने वाले हैं यहाँ पे बोट राइडिंग करने वाले, जो अभी आप सामने मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है क्योंकि कल सो नहीं पाया, सुबह जल्दी उठा है ना, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट किया हूँ यहाँ पे। अभी इसके बाद हम जाने वाले हैं बोट राइडिंग के लिए, उसके बाद फिर पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग तो मैं कमीज भी लेके नहीं आया, मैं ठंड लग रहा है मैं नहीं जाऊँगा। तो इसके बाद अभी ये करने वाले हम लोग, ये वाला करने वाले है गाइस, देखो उसके बाद इसके ऊपर चढ़ेंगे। इसके लिए तीन टोकन दिया है, इनको यूज़ करेंगे हम। हाँ थोड़ा अभी मैं थक चुका हूँ यार गाइस, इस वाले में अभी वाले में तो यार सुपर जेट का फीलिंग आया, सुपर जेट का जैसे जहाज टेक ऑफ करते समय आता है ना फीलिंग, वैसा वाला था। मैं तो थक ही गया गाइस, वार लग गया, इतना मस्त आया ना, इतना मज़ा आया गाइस, क्या करूँ। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ फिर जाता हूँ मैं राइडिंग पे। मेरा बारी पहुंच गया,
तो गाइस ये है बागा बीच। अभी मैं आ चुका हूँ वहाँ से, बड़ी मुश्किल से पहुँचा, वार्ड लगा पड़ा है मेरा। मैं सोने के लिए जा रहा था लेकिन रूम में इन्होंने वो नहीं किया होगा, तो क्या करेगा, ऐसे इधर आके बैठना पड़ेगा फिर से। ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेंगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और जो भी आपने चैनल में न्यू आ रहे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई को दिल खुश कर दीजिए। भाई का अभी ये सब्सक्राइब धीरे धीरे अपना फैमिली बड़ा होते जा रहा है, तो सबके लिए थैंक्स अ लॉट्स, बहुत बड़ा बहुत 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 सारा थैंक यू टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। तो गाइस ये बताना था, जैसे कि आज दिन में जितना भी मैंने आप लोगों को देखा, जितने भी मैंने एक्टिविटीज़ किया, तो वो सब पूरा लगभग 2000 में आ रहा था, शायद कुछ जगह पे 2000 से कम भी है, लेकिन 2000 में था मेरा वाला पैकेज। तो उसमें 2000 में तो वाटर स्पोर्ट शायद फोर वाटर स्पोर्ट था, एक स्कूबा वाला हो गया 5। तो इसमें आपको ब्रेकफास्ट में भी कुछ खाने को देते, ब्रेकफास्ट में अपन लोगों को केला और कुछ समोसे देते, फिर जूस भी देते हैं, तो लंच भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, प्लस उसमें अगर आप लोग उसमें आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अच्छे देते हैं, तो कुछ इस तरह का था। एक्चुअल में क्या था गाइस, ये जो स्कूबा ये जो वाटर स्पोर्ट था जहाँ हम वास्को ठहरे थे, वास्को में एक बीना बीच है, बीना बीच के एकदम अपोजिट में और एक बड़ा सा आइलैंड है, तो वहीं पे होता है। किसी ने हमें कहा था कि वहीं पे होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा भरोसा नहीं होता, उसके लिए हम सीधा चला गया था, कंपनी से बात किया था हमने, लेकिन वो गलत थी, हमने बात किया तो उन्होंने कहा था कि उसके लिए पिकअप का पॉइंट उनका बागा वगैरह में आस पास ही, वास्को में कोई वो नहीं है, हम आपको लोकेशन भेजेंगे, उधर आ जाना, लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ पर होगा। तो गाइस हम उधर चले गए, उधर बिना बीच पे बागा बीच पे, बागा से फिर उन्होंने बोट में फिर से वापस वहीं पे लाया था जो बिना बीच स्टार्टिंग में आप लोगों को देखा था। तो गाइस आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि आप लोग वास्को, अगर आप एयर बाई एयर रहते हो तो वास्को में आ सकते हो, वास्को में आप रहते हो तो वन नाइट वास्को में आपको जो बिना बीच है वहीं पर भी कराते हैं, किसी को पूछेगा तो आपको बता देगा, तो शायद थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है मेरे ख्याल से। तो ये ऐसे चीज़ें थे गाइस, और हाँ वास्को से उधर तक का तो मैंने आपको बताया था, और आज का डे का तो मेरा पूरा यही में चला गया, तो उसके बाद शाम को इधर आया, उसके बाद ख़त्म, फिर रात को दिन में पूरा बैटरी भी मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि सुबह चार्ज में लगाना भूल गया था, नाइट को सुबह आधा था 50%, तो उसी से मैंने कम चला लिया।
तो गाइस बड़ा मजा आया, इतना मजा आया आप लोगों को नहीं पता, इतना मस्त था, मस्त था, मस्त था, मस्त था। आप लोग इधर आए तो ये वाला राइडिंग जरूर करना और ये सब आप लोग सपोर्ट कर लेना। तो उसके लिए मेरा सजेशन है कि आप इधर आने के बाद वन डे, अगर आप कल जा रहे हो तो आज के दिन पूरा रेस्ट कर लो, क्योंकि सुबह सवेरे हमें 7 o'clock जाना पड़ता है। तो फिर सुबह आप लोग आराम से निकलेंगे तो पूरा डे मस्त रहेगा। मेरा तो थोड़ा सा नींद भी पूरा नहीं हुआ था, फिर प्रॉब्लम थोड़ा सा सी सिकनेस भी हुआ था, थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह भी मुझे हुआ था। तो गाइस ऐसा कुछ था, तो आप लोग कर सकते हो, लोग मज़ा है, बड़ा मस्त है। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहना, मस्त रहना और तंदुरुस्त रहना। भाई का वीडियो तो है ही, आता रहेगा, देखते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।